देखिए हम लखनऊ की कितनी भी तारीफ कर दें, लेकिन एक शख्स को अगर लखनऊ का खाना पसंद नहीं आया तो फिर लखनऊ में खाना अच्छा नहीं मिलता है। और वो शख्स है हमारे वो मैं क्या झुनझुनवाला साहब। अरे बताइए तो, इतना शर्माएंगे आप भाई? सच्चा बता रहे भाई, देख अपने चैनल में सच्चा चलता है, तो कैसा लग रहा है तेरे को टेस्ट? बहुत गर्म है यार। सही है। कोई भी दबाव नहीं दिया गया है, चारों तरफ देखिए सब टूटे हुए हैं। सैदैन भाई ये तो अपने ही भाई हैं, ये तो अच्छा ही बोलेंगे। सही है। तो मैं अच्छी चीज़ें बताता हूँ लोगों को, तो इनको बोल रहा हूँ बहुत देर से, हालांकि हम बैठे हैं दिल्ली वाले के बगल में ही, जो भाई आप न्यारी देता है, उनको बोल लो, इनको बोल लो मत कहो, बता देगा बैठने के लिए, कर दे खाते पीते फिर मिलते। रात के ऑलमोस्ट 2:10 हो रहे हैं। अकबरी गेट के सीन ऐसे हैं कि अकबरी गेट पीछे छूट गया और हम लोग 20 मिनट से ज़्यादा ही हो गया होगा, 20 मिनट से गाड़ी पार्क हो रही है भाई, तो गाड़ी वाड़ी से मत आया करिए आप लोग। हम लोग जब 2-व्हीलर से होते हैं तो लोगों को गरिया रहे होते हैं, लेकिन आज मजबूरी थी हमारी। अनस भाई को मेरा सलाम, कैसे हैं आप? बढ़िया भाई। तो भाई से मुलाकात नहीं हुई थी, अभी हो गई है। वकील साहब सब बढ़िया? एंट्री मार ली है भाई हम लोग ने अकबरी गेट में, बहुत ज़्यादा भीड़ है, रात के 2 के आसपास का वक्त हो रहा है। तो मैं क्या सैदैन जी, अस्सलाम वालेकुम। अरसलान भाई लस्सी लेते हुए अरसलान भाई को सलाम। अरे आपने हमें दे दी, चेक करते हैं पीकर कैसा है भाई। बहुत चिल्ट है यार, एक जमाने बाद चला रहा हूँ एवेंजर 220। अरसलान भाई की है, ये इसका नाम है ब्लैक पैंथर, लेकर आज इसको हम घर जा रहे हैं भाई। बहुत लेट हो चुका है, एक रील बनाने गए थे हम लोग इमामबाड़ा, वहाँ पे मतलब हमको आधा घंटा के करीब लग गया, अभी मुझे लगता है 4:30 के आसपास हो रहा होगा। मजा आ रहा है बेबी, मजा मजे मजे। ओ मैं क्या, अस्सलाम वालेकुम, आप सभी को 28वां रोजा बहुत बहुत मुबारक। आज तारीख है 8 अप्रैल और हमारे छोटे भाई का आज है बर्थडे। उसी में हम लोग सब बाहर थे, आते आते बज गया है 4:30, मतलब ये सब घर पे आ गए थे। हम अरसलान भाई के साथ थोड़ा सा सहरी करने में व्यस्त हो गए थे, करा कुछ नहीं था, बस भाई का साथ देना था हमको, मेन मसला ये रहता है जो हमारी परंपरा है अरसलान भाई के साथ, वो टूटनी नहीं चाहिए। ऊपर वाले का शुक्र है कि वक्त से घर पे आ गया था, फजर की नमाज पढ़ ली। अभी जरा आपको कुछ अपडेट देते हैं कि कल से अभी तक हम सोए नहीं है, कल 4 के हम जगे हुए हैं, अभी तक हम सोए नहीं हैं, ऑलमोस्ट 26 हो चुके हैं। आज सुबह क्योंकि आज मंडे है तो सुबह 11 वीडियो आनी होती है, एडिटर ने हमको वीडियो भेज दी है, उसको अभी देखकर अपलोड मारनी है। थंबनेल अभी तक नहीं बनाया है, और अगर कुछ नहीं समझ आया तो हमें रीशूट करना पड़ेगा। ये करने के बाद आई टेक अ नैप ऑफ 3-4 hours, देखते हैं जितना भी हम ले पाएंगे। ओ मैं क्या, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अभी तो 2 बाद लाइट आ गई, 2 बाद तो ईद है, आई एम श्योर आप लोग बहुत एक्साइटेड होंगे। एक डिलेमा में मैं फंसा हुआ हूँ, पहले मैं ज़रा वो दिखा दूँ, उसके बाद मुझे आपसे उस चीज़ के बारे में डिस्कस करना है, उसके लिए मेरे को आपको नीचे लेके चलना पड़ेगा। मैं आपसे बहुत टाइम से कह रहा था ना कि मेरे को बाइक लेनी है, मेरे को बाइक लेनी है, तो ये बाइक नहीं है। बेसिकली मैं आपको दिखाने आया हूँ कि देखो हमारा छोटा से गैराज में ऐसा सिस्टम है कि 4 यहाँ लगी हैं, एक वो वहाँ लगी है, इसको शाम को अरसलान को वापस करना है अपने को, और मेरे को सुबह ही समझ आ गया था। वैसे मेरे को पहले भी क्लियर था कि भाई अपने गैराज में इतनी जगह नहीं है, ये जो छोटा सा हमारा गैराज है, कि हम एक बाइक रख पाएँ, और अपने को लेनी है बहुत बिग बाइक लेनी है, मतलब सुपर बाइक नहीं लेनी है, बट वो ट्रैवल पर्पज़ के लिए लेनी है बेसिकली। बहुत लोग को पता है जब मैं लाइफ पे आता हूँ तो मैं बता देता हूँ, अब समझ नहीं आ रहा यार कि उसको लेंगे तो रखेंगे कहाँ पे। बाकी आप मुझे बताइए कि हम उसको लेके कहाँ रखें, आप में से किसी के घर पे जगह है जो हमें दे सकता है रखने के लिए तो बताइएगा। देखो कर क्या रहा हूँ मैं, मिंत्रा से शॉपिंग कर रहा हूँ हमारे नेक्स्ट एपिसोड के लिए, जो हम ओल्ड मनी सीरीज चालू की है उसका एपिसोड 3।
एक मैंने पता है गलती ये कर दी है कि कायदे से एपिसोड 4 होता, मतलब एपिसोड 2 शूट कर लिया था मैंने उससे पहले फॉर्मल वो वॉचेस का एक हॉल किया था, और मेरे को रियलाइज नहीं हुआ था कि मैंने सारी ओल्ड मनी वॉच मंगा रखी है। बट वही है सीन की वो अगर उसको हमने सही से शूट किया होता तो एपिसोड 3 हो गया होता और फॉर्मल पैंट वाला एपिसोड 4 होता। बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो अभी मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ कि कौन कौन सी बढ़िया है, कौन कौन सी हम मंगा सकते हैं। तो खर्चा हो रहा है मोटा। सो कंटेंट फ्यूचर में यही आएगा, शर्ट्स मंगानी है, टेक्सचर्ड शर्ट्स मंगानी है, फॉर्मल पैंट है, बाकी फ्यूचर का कुछ और कंटेंट है जो प्लान्ड है, लिखा हुआ है यहाँ पे। अब शूट कैसे होगा क्या होगा कुछ पता नहीं है। इंशाल्लाह ईद के बाद हम थोड़ा एनर्जेटिक होंगे तो शूट करेंगे। और अभी कितना 6-8 हो रहा है, तो इफ्तार का भी टाइम है, तो सोच रहा हूँ मैं 1-2 मिनट देख लूँ कुछ, फिर चलते हैं नीचे इफ्तार के। दोबारा करिए, दोबारा करिए। मैं अपनी तरफ कैमरा रखा हूँ, अम्मी को लगा उधर से कैमरा करिए। अभी तो यही है यार, सीन यही है। बाकी राशिद वहाँ पे अंदर कुछ छान वान का ट्राई कर रहा है। अम्मी तूत में लगी गए नहीं खा लेंगे? नहीं नहीं, अच्छा होता है भाई। रोजे में हालात आप देख रहे हैं, हमारा होठ सूख रहा है, चेहरे की रंगत गायब है, अजीब सा हो रखा है एकदम। क्या गोर कह रही है, गोर बहुत रही है बहन, बदबू आ रही तेरे में से। नहाया कर यार, नहाया कर बहन। आए थे अपने भाई को छोड़ने, आप लोग से मिलवाए नहीं, मिलवा देते हैं। ये हमारे बड़े भाई मिराज जो कि सऊदी में रहते हैं। कैसा लगा भाई, कितने साल बाद हम लोग आज मिले हैं? लगभग 6-7 साल बाद मिले हैं। बाकी ईद का मसला है, इस चक्कर में भाई को भी घर निकलना है। ये हाँ, जो पूछे कौन है, ये हमारे बड़े फूफी के लड़के हैं, तो ये यादगार रहेगी कि कल को हम जब देखेंगे तो याद रहेगा कि भाई हम कैसे हुआ करते थे अपनी जवानी में। इनको छोड़ते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। राशिद भाई फुल फॉर्म में, अपनी बर्थडे वाले दिन एकदम भाई ने कहा बॉडी बना ही लेंगे। बहुत बढ़िया मेरा भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गाना कितना तेज हो गया आपका यार। मिलिए मेरे छोटे भाई से। ओ भाई भाई भाई, बाइसेप हो जाए एक बार, भाई बाइसेप हो जाए, बाइसेप। मैं कहाँ यार, अभी दिखाई भाई, सिक्स पैक दिखाई यार। ये क्या बात है, बहुत आला भाई। इससे पहले गाना बज जाए भाई, सलाम। अली भाई के आगे भी बोल सकता है क्या? नहीं, राहिद भाई के आगे भी बोल सकता है क्या? बन जा रहा है आजकल जो शायर बने हुए हैं। नींद अगर अच्छी मिल जाए, बहुत ही डीप स्लीप मिल जाए, मुझे नहीं लगता उससे अच्छा मेडिटेशन कोई होता होगा। वेन एवर आई टेक साउंड स्लीप ना, होता है क्या आपके साथ? थोड़ा 2-4 मिनट के लिए आया था विटामिन डी लेने के लिए। मैंने एक हैबिट बनाई थी, आप लोग से शेयर भी करी थी। सर्दियों में ऐसा हो रखा था कि मैं डेली आता था, 10-15 मिनट बैठता था, विटामिन डी लेता था। उसके बाद से फिर वो दिनचर्या ख़राब हो गई यार एक्चुअली। तो विटामिन डी बहुत ज़रूरी है, इससे ले ले तो ठीक है, नहीं तो फिर वो दवाइयाँ कितना खाएंगे यार, है कि नहीं? हो गया काम भर का, ले लिया, चलते हैं शूट वगैरह करते हैं। कुछ अधूरा जो रात को छोड़ा हुआ है उसको निपटाते हैं शूट को। एक चीज़ आपसे शेयर करनी थी, वो रिदम ऐसा टूट जाती है ना, व्लॉग करते रहता हूँ करते रहता हूँ, सेम डे व्लॉग में ही रिदम टूट जाती है। एक तो मैं हफ्ते में 2 दिन जिम जा रहा हूँ मुश्किल से। कल मैं गया और हमारी जिम वाली जितनी है अपनी वंटा पब्लिक है, उनको पता है कि भाई आते 2 ही दिन नहीं है। और जिस दिन जिम जाता हूँ मैं, या तो मैं उस दिन बहुत एनर्जेटिक रहता हूँ तभी जिम गया होता हूँ, या मैं उस दिन सोया नहीं होता हूँ। इन दोनों ही केस में जब जिम से आता हूँ मैं वर्कआउट करके, तो मेरे को नींद बहुत आती है तो मैं सो जाता हूँ। तो मेरे को रात को प्लान था कि मैं सहरी के टाइम टाइम मिलेगा तो मैं अरसलान को बाइक दे के आ जाऊँगा, बट वैसा हुआ नहीं कुछ। अब होता क्या है ज़िंदगी में कि एक चीज़ पूरी होने में एक चीज़ का त्यागना पड़ता है। तो नींद हम पिछले 4 दिन से नहीं ले रहे थे, परसों की बात है, अलविदा वाले दिन की हम सोए नहीं थे, उससे एक दिन पहले की बात है, अलविदा वाले दिन भी कम सोया था। फिर कल मैं सोया था 3 घंटे के आसपास, आज मुझे लगता है 6 घंटे की नींद ले ली है। और 6 घंटे की नींद, मतलब मैं यूजुअली 8 घंटे वाला बंदा हूँ, बट ये 6 घंटे में भी ना
एकदम मस्त नींद आई अपने को। ठीक, तो अभी अपने को शूट करना है, शूट करके उसके बाद अगर टाइम मिलता है तो हम अरसलान को आज उसकी बाइक दे आएंगे। एंड अब आपको आने वाले दो दिन अगर मैं व्लॉग करता हूँ तो सिर्फ शॉपिंग वॉपिंग का व्लॉग देखेगा, मतलब जो जो मेरी चीज़ें बची हुई हैं, मतलब कुछ कुछ चीज़ें ले ली हैं पीछे, वो पड़ा हुआ है, मैं उसको पहनूंगा ईद वाले दिन। पैजामा बचा हुआ है, जूता एक मैंने लिया था बट वो जो मैं पहनने लगा उस पर नहीं जाएगा। सो एक चप्पल चाहिए, कुछ एक्सेसरीज चाहिए उस कुर्ते के लिए। ये सब हम आपको दिखाएंगे व्लॉग में। बाकी व्लॉग को यहाँ करते हैं बंद क्योंकि अपने को शूट चालू करना है। ठीक है, देखिए जी ये सब फैला हुआ है, इसको हटा हटा के शूट चालू करना है। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अनचिल देन, नमस्ते, अल्लाह हाफिज़।